श्री गणेशाय नमः, जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे 2022 की ढेर सारी खुशियां और आपके लिए हर्षोल्लास और आपके लिए गुड विशेस लेकर आ गई मैं। भगवान करे आप बहुत खुश रहें 2022 में, ईश्वर करे आपके घर में समृद्धि आए, आपके घर में धन आए, वैभव आए, आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ और सुखी रहें, आपकी दीर्घायु हो और आप पर कोई संकट ना आए। 2022 की ढेर सारी बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। मैं कामिनी खन्ना आप सबको 2022 की शुभकामनाएं देते हुए अब शुरुआत करती हूँ मेष राशि से। तो मेष राशि या मेष लग्न वालों के लिए सेम देखना है आपको मेरा ये राशिफल या लग्नफल। और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पे जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं कि मेष राशि का क्या हाल रहेगा। याद रखें कि अप्रैल के महीने में राहु केतु शनि और गुरु सब बदल रहे हैं और उसके पहले आपकी क्या स्थिति रहेगी, चलिए उसका जायजा लेते हैं। तो साल की शुरुआत में मेष राशि वालों के लिए अब ये देखने में आया है कि आपके मंगल जो है अष्टम में रहेंगे 16 तारीख तक, तो केतु के साथ रहेंगे, बहुत ही अग्रेसिव रूप से काम वाम करने की कोशिश तो करेंगे, व्यवसाय बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसी बीच एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम ना हो इसका भी ध्यान रखना है। और किसी भी तरह का तबीयत अपना बीपी से रिलेटेड वगैरह संभली रहे, तो साल की शुरुआत में न्यू ईयर मनाने के चक्कर में बहुत खा लिया, उधम कूद कर ली, बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लिया, ये सब मत करिएगा, क्योंकि आगे आपका बहुत अच्छा समय आ रहा है। 16 जनवरी के बाद आपके भाग्य में आ जाएंगे मंगल और आपको बहुत फायदा देंगे, आपके कामकाज बनेंगे। आपके साथ साथ ये भी याद रहे कि आपके अष्टमेश भी हैं, तो व्यवसाय में भी थोड़ा सा खर्चा तो करवा सकते हैं, लेकिन आपका व्यवसाय अचानक से बढ़ने की आपको खबरें आएंगी और आप देखते ही देखते कई सारे अपने काम पटाएंगे, जिसमें आपकी मीडिया से रिलेटेड काम, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड काम, नौकरी से रिलेटेड काम, अगर आप कोई डॉक्टर हैं, अगर पेशेवर कोई आप सर्जन हैं, या आप कोई ऐसा काम करते हैं इंजीनियरिंग का काम करते हैं, या किसी मशीनों से संबंधित काम करते हैं, या आप किसी ओहदे पे हैं, नौकरी पे हैं, तो आप अपना इंक्रीमेंट के लिए भी बात कर सकते हैं इस दौरान 16 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक। और आपकी यात्राएं भी बड़ी आक्रामक स्वरूप से आपका काम करवाएंगी, आपके बड़े भाई बहनों से आपको खूब फायदा मिलेगा। 26 जनवरी को मकर में जा रहे हैं, मंगल और उच्च के हो जाएंगे, मकर में डेढ़ महीना रहेंगे ये मंगल और उच्च के हो के कर्तव्यगारी तो दिखाएंगे नेचुरली, अपना उच्च का आपके राशि का स्वामी है, लग्न का स्वामी है, तो करेगा तो सही कुछ काम, लेकिन जैसे जैसे मंगल आगे की ओर खिसकेंगे 15-20 दिन बाद, तो ये शनि महाराज जो हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं मकर में, और मंगल शनि की युति ना हो जाए साथ में, तो आपको क्या करना है, अपने कार्यस्थल पर भले ही आपकी हिम्मत बहुत बड़ी हुई है और आपकी हौसला बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन किसी से झगड़ा फसाद नहीं करना है। कार्यस्थल पर जाते समय रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, कार्यस्थल पर अपने पिता के साथ झगड़े नहीं करने हैं, आपकी तबीयत खराब ना हो इसलिए ओवर वर्क नहीं करना है, और जो काम बन रहे हैं उसके अंदर आपको अगर स्ट्रेस होता है तो आपको महामृत्युंजय के जाप करने हैं। तो ये सारे उपाय आप अगर कर लें और साथ साथ में गणेश जी की और हनुमान जी की आराधना करें, तो ये डेढ़ महीना आपका आराम से बीत जाएगा। उसके बाद 7 अप्रैल को मंगल जो है वो कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और 17 मई तक ये वही रहेंगे। अब जब ये 7 अप्रैल को कुंभ में प्रवेश करेंगे, उसके बाद शनि जो है वो 29 अप्रैल को कुंभ में जाने वाले हैं, तो 7 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक, मतलब आपको 20 दिन मिलते हैं, आप अपने काम करिएगा, आपका माइंड भी प्रखर चलेगा, आपके बच्चों से रिलेटेड डिसीजन अच्छे होंगे, आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजन अच्छे होंगे, लेकिन 27 तारीख के बाद 29 तारीख के बाद जब शनि वहां पर आएगा, तो फिर से एक बार आपको 17 मई तक सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि फिर वही मंगल शनि युति, फिर आपको क्या करना है, कोर्ट केसेस में नहीं उलझना है, आपको बड़े बड़े विवादों में नहीं उलझना है, आपको कोई भी ऐसा काम जिसमें आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड काम अटके हुए थे उसमें तबीयत नहीं खराब करनी इतना सोच सोच के, और अपनी कहते हैं ब्लड से रिलेटेड समस्याओं से बचे रहना है, और फिर वही बात कि आपको महामृत्युंजय के जाप उस दौरान, मतलब 29 अप्रैल से लेकर अगर मैं कहूँ 17 मई तक करने हैं, या गणेश जी के, हनुमान जी की आराधना
करती रहनी है। इसके बाद फिर मंगल आगे जाएंगे और मंगल जो है 27 जून को मेष राशि में प्रवेश करने वाले। मैं अच्छी बात ये बता रही हूँ कि 17 मई को तो मीन में आ गए, द्वादश में आ गए, लेकिन उसके बाद जो उच्च की स्थिति आएगी, स्वग्रही स्थिति आएगी मंगल की, वो 27 जून को आएगी और 27 जून को डेढ़ महीना मंगल स्वग्रही रहेंगे। अब ये पूरे साल में मजेदार बात क्या हो रही है आपके साथ कि शनि की स्थिति अच्छी है आपके लिए, बहुत अच्छी है, और उसकी बात उसकी चर्चा पर भी मैं आती हूँ। और जो गुरु की स्थिति है वो अभी जो है अप्रैल तक बहुत अच्छी है, क्योंकि 20 नवंबर के बाद गुरु भी आपके लाभ भाव में आ जाएंगे और उनकी दृष्टियों से आपको काफ़ी फायदा होने वाला है, उसकी बात भी मैं अभी करती हूँ। लेकिन राहु केतु की बात करूँगी, राहु केतु आपके लग्न में और सप्तम स्थान में आ जाएंगे, राहु आपके लग्न में आ जाएंगे और केतु जो है आपके सप्तम में आ जाएंगे। तो जो मंगल की अच्छी वाली मूवमेंट जब जब आपको मिलेंगी, जैसे कि मंगल उच्च का हो गया, मंगल लाभ में चला गया तो पीछे पीछे शनि आ जाएंगे, फिर मंगल जब स्वग्रही हो गया मेष में, जब मैंने आपको बताया कि मेष में हो गया 27 जून को, तो उस दौरान आपके साथ जो है शनि राहु वहां पर जो है उपस्थित रहेंगे, तो अंगारक सा योग बनता है। हालांकि मंगल स्वग्रही है, राहु उनका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी गलत फैसले, अपने से रिलेटेड को गलत डिसीजन, आकर्षण में कमी, लेजीनेस, कुछ अपनी परेशानी, इन सब से ध्यान रखिएगा। 10 अगस्त को ये वृष में जाने वाले हैं और वृष में जाने के बाद आप काफी रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि अब मंगल अपने घर को भी देखेंगे, अष्टम भाव को, और आपकी तबीयत में बहुत सारा सुधार होते मुझे नजर आता है। अब मंगल की बात करें तो मंगल कम वक्री मार्गी होते हैं, तो 30 अक्टूबर को जो है मंगल वक्री स्थिति में रहेंगे, और 30 अक्टूबर के बाद, मतलब बहुत आगे की बात कर रही हूँ मैं, 13 नवंबर तक वक्री रहकर ही वर्ष पर्यंत वृष राशि में गोचर करते रहेंगे मंगल। तो वृष राशि में तो इस साल मंगल का गोचर आपको 5 राशियों में मिलता है, एक आपकी 6 राशियों में मिलता है, एक तो आपकी धनु राशि, उसके बाद मकर राशि, उसके बाद कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि और वृष राशि। इसमें आप स्वस्थ रहेंगे वृष राशि में। बड़ी मजेदार बात है कि मकर में आने के बाद भी शनि साथ में रहेगा और मेष में आने के बाद भी राहु साथ में रहेगा, तो आपको जब ये स्थितियां बनेंगी तो गंग गणपति नमा के जाप और आपको गणेश जी को नारियल चढ़ाना, इसके साथ साथ महामृत्युंजय के जाप करना बहुत उचित रहेगा। हनुमान चालीसा आप 7 बार पढ़ सकते हैं। और साथ साथ अब मैं आपको बता दूं कि राहु केतु की क्या स्थिति है। 12 अप्रैल को राहु केतु मेष में, मतलब और तुला में जाने वाले हैं। राहु आ जाएगा आपके लग्न में और केतु जो है आ जाएगा सामने, तब जाकर एक अंगारक सहयोग बनेगा आपके लग्न भाव में, और आपके लिए गणेश जी की आराधना, दुर्गा माँ की आराधना बहुत जरूरी हो जाएगी। याद रखिएगा कि आपके गलत डिसीजंस, गलत लोगों से हाथ मिलाना या गलत फैसले करने से आपकी इमेज खराब हो सकती है, और इमेज को खराब नहीं करना है। और केतु जो है आपकी अलगाव की स्थिति ना लाएं, शादियों में लेट ना करें, क्योंकि शादी के योग अभी बने हुए हैं अप्रैल तक, तो शादी में लेट ना करें। और राहु केतु के साथ साथ गुरु भी बदल जाएंगे, तो गुरु एक दिन के अंतराल में ही बदलना है, तो याद रखिए अभी शादी के फैसले आप इस साल में अप्रैल तक ले सकते हैं। आपके लिए 12-13 अप्रैल बहुत ही डॉट कर लीजिए, उस डेट पे, इस डेट पे आप शादी का फैसला लीजिए और आगे बढ़िए। याद रहे कि 13 अप्रैल को गुरु जो है ये मीन राशि में प्रवेश कर जाने वाले हैं, और गुरु की जो दृष्टियां हैं, अभी शनि की बात नहीं की मैंने, शनि की भी बात करेंगे, राहु की भी दृष्टियों की बात करेंगे। सबसे पहले हम गुरु की दृष्टि की बात करेंगे, तो गुरु की दृष्टि जो है आपके ऊपर, जो पंचम दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पे पड़ती है, तो आप क्या करेंगे, अप्रैल के बाद प्रॉपर्टी बना सकते हैं, माता से फायदे हो सकते हैं। इसके बाद जो सप्तम दृष्टि है आपके विरोधियों पर पड़ेगी, तो आपके बैंकिंग रिलेटेड लोन्स खुल सकते हैं, विरोधी थोड़े शांत हो जाएंगे और हेल्थ अच्छी होती नजर आती है, व्यवसायिक पार्टनर के साथ अच्छे काम होंगे। याद रखें कि 29 अप्रैल को शनि जब आएंगे कुंभ में, उनकी तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर रहेगी। चैलेंज वाली स्थिति है कि राहु लग्न में और शनि की तीसरी दृष्टि जिद्दी बनाएगा आपको, झगड़े करवाएगा, गुस्सेबाज बनाएगा, स्ट्रेस देगा। अब इसको मेडिटेशन से प्रैक्टिकली डील कीजिए, कोई जरूरत नहीं वहम करने की, कोई जरूरत नहीं इधर उधर की बातें सोचने की। और साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि राहु की दृष्टियां कहाँ रहेंगी, तो राहु जो है आपके दिमाग को देखेंगे, तो गलत फैसले, गलत मित्रताएं,
बच्चों का व्यसन में जाना, आपका व्यसन में जाना, इन सब बातों से बचिएगा। विवाहित जीवन में विघटन न होने दीजिएगा। और जो काम आपको मीडिया से रिलेटेड बन रहे हैं, जो काम आपको आर्ट से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बन रहे हैं, उनको लीजिए, ग्रैब कीजिए। बड़ी मज़ेदार बात है कि शनि महाराज की इस साल की जो स्थानांतरण है वो अजीब से रहेंगे, क्योंकि शनि जो हैं ये 29 अप्रैल को जैसे ही प्रवेश कर जाएंगे कुंभ राशि में, इसके बाद ये 12 जुलाई को वापस जो है मकर राशि में वक्री होकर आने वाले हैं, और 17 जनवरी 2023 तक ये मकर में ही विचरेंगे, जो कि मेष राशि वालों के लिए फिर से एक अच्छा समय लाते हैं। और ये कुछ काम छूट गए थे तो सोच रहे हैं कि मेरे काम अधूरे रह गए हैं, पिता के साथ कुछ अनुबंध रह गए हैं, कुछ ऐसे काम थे जिसमें लोहा लकड़ी पेट्रोल वगैरह इन्वॉल्व था, कुछ ऐसे काम थे फिल्म लाइन से रिलेटेड, कुछ आपको लोन्स लेने देने थे, कुछ नौकरी पेशा लोगों के कुछ काम रह गए थे, कुछ फिल्म लाइन से रिलेटेड काम रह गए, तो सब निपटाने के लिए शनि वापस आए। इनकी दृष्टियाँ भी बदल चुकी हैं, तो अब इनकी दृष्टियाँ आपके लग्न पर नहीं हैं, तो आपकी तबीयत पहले से बेहतर। अब अगर मैं कहूँगी कि आपका माइंड भी पहले से फ्रेश, और शनि की जो दृष्टि आपके विवाहित जीवन पे पड़ रही थी तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी, और अब आप जाके एंजॉय करेंगे। पहले किसी 2021 में तो पेंडेमिक था, अब तो एंडेमिक हुआ, तो अब आप अपने कामों को एंजॉय कर पाएंगे, विदेश रिलेटेड काम भी कर सकते हैं, घर परिवार अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों को बचाइएगा। और साथ साथ आपको मैं कहूँ के विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना हो, इसकी खबरदारी लीजिएगा, लेकिन उनके सपोर्ट से अब आप अपना काम बढ़ा सकते हो। तो ये था मेष राशि वालों के लिए 2022 का साल। चैलेंजिंग है, डैशिंग है, आगे बढ़िए, साल का स्वागत कीजिए। आपको ये साल बहुत शुभ हो। समझदारी से काम करने से कोई भी तकलीफ नहीं रहती, इसलिए डरने वरने की कोई बात नहीं होती। ग्रह आते हैं चले जाते हैं, दिस टू विल पास, और जो अच्छे दिन आएंगे उनको खूब एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि पल पल को एंजॉय करना चाहिए। मैं कामिनी खन्ना 2022 की आपको देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। ईश्वर करे ये साल आपके लिए सुख समृद्धि ऐश्वर्य भरपूर लेकर आए। ईश्वर करे आपके लिए ये साल उन्नति से भरपूर हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबसे पहले शारीरिक और मानसिक, आप दीर्घायु हो और आपके परिवार में खुशी आए। ओम महालक्ष्मी नमः। 2022 शुक्र का साल है, ये महामंत्र है न्यूमरोलॉजिकली आपके लिए। वैसे तो मैं कहती हूँ जय जीवदानी, और साल की शुरुआत में कहना पड़ेगा गं गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। 2022 की आप सभी को बधाइयां जी बधाइयां। ये साल आपको बहुत ही शुभ मंगल और अत्यंत उन्नति कारक जाए।